हर हर महादेव, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर शंभू। वेलकम दोस्तों, मैं थोड़ा अपना सुमित। अज असी बालटाल सूबा दे विच तुसी दर्शन कर रहे हो मेरे भोले बाबा की नगरी। देखो सामने पर पै चुकी हुई है, लोगों के पंडाल और टेंट वगैरह सब लग चुके हुए हैं। दोस्तों तुसी ये देखो, वाइट कलर की बर्फ है, ये पर्वत है जिहड़े मेरे भोले बाबा दे हर रोज़ दर्शन करते हैं। असी तो साल च एक बार दर्शन करते हैं, पर ये पर्वत भोले बाबा दे रोज़ दर्शन करते हैं। दोस्तों भोले बाबा की नगरी सज चुकी है, तुहानू निमंत्रण है, तुसी साढ़े पंचकूला सूचना केंद्र से एक बार जरूर आओ और भोले बाबा की इत्थे स्टेज लो एक दिन की। ये साढ़े जोगा जी ने देखो बहुत ही ज़्यादा मेहनती ने, साडा पंडाल, साढ़े शिवर, साढ़े टेंट वगैरह सब लग चुके ने। तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब जरूर करियो और बैल आइकॉन का बटन जरूर दबियो। दोस्तों ये देखो साडा छोटा जिहा शिवर हुंदा है, इत्थे असी जिन्हें साढ़े भगत आते हैं सारियां नूं असी सलाम करनी हुंदी है। दोस्तों ओ देखो मेरे भोले बाबा का घर, ओ उत्थे मेरे भोले बाबा रहिंदे ने। दोस्तों यह मानसा वालियां दा भंडारा है जिथों तुहानू की लंगर प्रसाद सारा कुछ मिलेगा। ये मेरे कश्मीरी वीर ने सारे ने अपनी अपनी दुकाना सजा लीतियां हुई ने और पूरी नगरी सज चुकी हुई है। ये पंडाल हैगा वा मानसा वालियां दा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों ये कश्मीरी साढ़े वीर ने, बहुत ही नाइस परसन ने और बहुत ही अच्छे लोग ने। दोस्तों वो देखो उत्थे रहिंदे आ मेरे भोले बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभो। दोस्तों उत्थे रहिंदे ने मेरे भोले बाबा। भोले बाबा की नगरी बहुत ही निराली है। अज तुहानू भोले बाबा की गुफा भी दिखावांगे जिथे मेरे भोले बाबा काफ़ी साल तो इत्थे रह रहे ने। दोस्तों ये पौड़ियाँ ने, ये 200 पौड़ियाँ होनगियां जिहड़ियां चढ़नियां पैंदियां। भोले बाबा की तुसी ड्राइंग देख सकते हो जिहड़ी ये पहाड़ां ते कीती हुई है। और तुसी देखो ये किन्नी प्यारी नगरी है और किन्ना वातावरण अच्छा लगता है। दोस्तों मैं तो बस इत्थे यही चीज़ देखी है, इत्थे कलाकृतियां कितना अपने आप पहाड़ां ते आ जांदे ने, ये भी कुदरत है। ये मेरे भोले बाबा का घर है जिथे मेरे भोले बाबा ने अमर कथा मेरी माता नूं, शेरां वाली पार्वती माता नूं सुनाई सी। दोस्तों आज जिन्हें साढ़े भगत ने आर्मी वाले सब तो पहले ही दर्शन करते हैं और दर्शन करन तो बाद फिर भगत जन दर्शन करते हैं। दोस्तों तुसी आ पहाड़ा दे कलाकृतियां देखो, तुहानू वक्रा ही कुछ दिखन नूं मिलेगा, वक्रा ही मिलेगा। मेरे भोले बाबा दे गण बैठे हुए ने जिहड़े पहाड़ा दे रूप दे विच बैठे हुए ने, और जिन्ने गण जिन्ने सके मेरे भोले बाबा दे, जिन्ने रक्षक शंभो, जिन्ने रक्षक सारे ही इत्थे ही रहिंदे ने। पर देखने वाली अख चाहिए दोस्तों, उदा नहीं दिख सकते। ये मेरे भोले बाबा के हम देखो असं घर के एंटर हो चुके हैं, ये लास्ट पौड़ियाँ ने, इतने असं चप्पल वगैरह उतारते हैं, उतार के अगे भोले बाबा के घर जाते। वह बैठे मेरे महादेव, वह बैठे मेरे महाकाल, हर हर शंभू, हर हर महादेव। दोस्तों ये वर्ल्ड का पिता है, वर्ल्ड का पिता। दोस्तों ये इन्हां दी नगरी है, देखो मेरे भोले बाबा काफ़ी साल पहले इत्थे आए ने, इत्थे रहे ने। और अमर कबूतर आ गुफा छोटी छोटी तुसी स्टोन देख रहे हो ना, इन्हां दे मोहरियां दे विचों दोस्तों ये कबूतर है जिहड़े ओह इत्थों निकलदे ने आरती दे टाइम, आरती दे टाइम आणगे उस तों बाद इह चले जांदे ने। और तुसी ये गुफा देखोगे बिल्कुल अद्भुत और निराली है, छोटे छोटे तुसी मोहरे देख रहे हो। दोस्तों इन्हां च कबूतर रहिंदे ने, ये नहीं पता किहड़े मोहरे दे विचों निकलदे ने, किहड़े मोहरे दे विच चल जांदे ने। वह मेरे भोले बाबा का त्रिशूल है और जो कि अखंड है, काफ़ी सालों तो पिया होया है। और तुसी ये देखो भी किद्दां दी गुफा होएगी, मेरे भोले बाबा ने किद्दां तलाश की होएगी, मेरे भोले बाबा कदों आए होंगे और किद्दां आए होंगे, कोई नहीं इहदा ज्ञान हैगा। पर दोस्तों भगत अनेक ने भोले बाबा दे और भोले बाबा नूं लभ ही लैंदे ने, भोले बाबा कितें मर्जी बैठे होण। दोस्तों वो बैठे मेरे भोले बाबा, अंदर काम चल रहा है लक्कड़ का, अजे इस टाइम कोई भी इत्थे यात्रा शुरू नहीं हुई, जिन्हें सेवादार ने सेवा करन आए हुए ने। दोस्तों हर हर महादेव, मैं भी अपना छोटा जिहा चेहरा दिखा दा, मेरे दोस्त कहिंदे तुसीं किहड़े हो, चेहरा नहीं हजे तक दिखाया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों ये मेरे भोले बाबा देखो सामने बैठे ने, अपने भगतां नूं दर्शन देने, वर्ल्ड का पिता। दोस्तों याद रखियो वर्ल्ड का पिता है, इहदी अक्क सारी दुनिया ते हुंदी है, इहदे तों बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। दोस्तों ये कलाकृतियां तुसीं नोट करो, ये किद्दां मेरे भोले बाबा दे इत्थे किद्दां किहड़े स्कैच दे नाल इत्थे कलाकृतियां बनियां होणगियां, किहड़े गण ने जिहड़े बैठे ने अदृश्य नज़रां दे विच आ के बैठे हुए ने, और साडे ते ख्याल रख रहे हैं और साडा ध्यान रख रहे। दोस्तों इत्थे वाइट भालू
बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वाइट पल्लू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखो कलाकृतियाँ, एक कोई गन बैठे हुए ने जो अपने चेहरे बना के बैठे हुए ने और तपस्यावां कर रहे ने। दोस्तों मैं तो बस यही चीज़ इतने खास देखता रहा और मैं समझता रहा भी कौन हो सकते ने कौन नहीं हो सकते। मेरे भोले बाबा का नाग देख लो ऊपर नू जा रहा है और तुम गौर देखोगे पूरा नाग छपया हुआ है। कितना हो सकता है कि कितना हो सकता है कि कुदरत है, ये भोले बाबा का चमत्कार है, आशीर्वाद है की समझा मैं, क्योंकि मैं तो इतने आके बिल्कुल ही गुमसुम हो चुका हाँ। मेरे भोले बाबा इस नगरी के भी रेंदे ने, भोले बाबा इस नगरी के ही रहने। दोस्तों मैं क्लोजअप करके तुम दिखा रहा, नगरी बहुत ही प्यारी सज चुकी है, पर इतने जिन्हें भगत जन आते हैं मत्था टेक के सारे ही वापसी चले जाते हैं, पर इको ही इतने रेंदे ने आर्मी वाले फिर दोबारा मेरी सलूट है, क्योंकि आर्मी ना हो यात्रा नहीं कर सकते। हाँ जे आर्मी ना हो याद रखियो दोस्तों असं यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा। आर्मी ही साडा ख्याल रखने वास्ते सरकार ने बनाई हुई है। दोस्तों इत्थे असी लक्कड़ कट रहे हैं ताकि जिन्हें शिविर ते जिन्हें साडे भगत जन आन सारे इशनान करके भोले बाबा के घर जान। इस करके दोस्तों क्योंकि लक्कड़ मैं इस करके कट रहा वहाँ ताकि जिन्हें मेरे भोले बाबा के भगत ने गर्म पानी के नाल नहा के जान। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों तुसी जरूर इत्थे आओ, जरूर आओ, ये भोले बाबा की नगरी है। ओ बैठे मेरे भोले बाबा, देख सकते हो तुसी मेरे भोले बाबा का घर कितना प्यारा है, कितनी प्यारी गुफा है, दूरों क्या सुंदर दृश्य है। नगरी लग चुकी है थल्ले, देखो दोस्तों वो देखो हल्की जी लाइट चल रही है, वो मेरे भोले बाबा बैठे हुए, देखो लाइट कितनी चमक रही है, वो मेरे भोले बाबा का शिवलिंग है, वो ये शिवलिंग है मेरे भोले बाबा का। नगरी लग चुकी हुई है दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों कश्मीरी वीर जिन्हों मर्जी कह दो ये हर हर महादेव नहीं कहेंगे, चुपचाप चले जाएंगे, क्योंकि ये साड़ी सिर्फ मनोरंजन वास्ते इत्थे रहिंदे ने, हर हर महादेव नहीं बोलते। जिन्हें कश्मीरी ने 100 दे विच्चों एक या दो होंगे जिहड़े मेरे भोले बाबा नूं प्यार करनगे, हाँ हर हर महादेव नहीं कहेंगे, पर उन्होंने नाम से दुकाना जरूर लगा के बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने नाम से भी रोटी खाते ने, भी उन्होंने बच्चे ने, भी उन्होंने भगत ने। अज जिन्हें साडे आर्मी वाले अंकल जी ने देखो इन्हों की एज भी हो गई है, पर फिर भी भोले बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं। हर हर महादेव। आर्मी ने दोस्तों वैसे ही सलूट है, क्योंकि इन्हों की तह दिलों से इज्जत करते हैं। आ साडा कश्मीरी वीर है, देखो मेरे भोले बाबा की नगरी का सारा समान लैके बैठा हुआ है, पर यह हर हर महादेव नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा इन्हों का जी, मैंने कुछ नहीं पता है, क्योंकि असी ना इन्हों कोई फालतू गल की ना कुछ, पर इन्हों सुभाव बहुत अच्छा है। देखो मेरे भोले बाबा की नगरी के खच्चर भी ने, सारा कुछ ने, बंदे भी ने, और देखो कितना अच्छा पंडाल लग चुके है, कितना समान उत्ते आ चुके हैं मेरे बाबा की नगरी के। दोस्तों जो भी तुम साढ़े भोले बाबा की नगरी जाओ, इन्हों को समान जरूर खरीदा, इन्हों को प्रसाद बहुत होंगे, इन्हों को ड्राई फ्रूट बहुत होंगे है। ड्राई फ्रूट की तो नगरी है मेरे भोले बाबा की, ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। दोस्तों तुम देख सकते हो दुकाना कितनी प्यारिया प्यारिया छोटे छोटे कंटेंट बने हुए हैं, और दोस्तों इतों आर्मी तो लैके आम परसन तक सारे ही प्रसाद भोले बाबा का इतों लैके जाते हैं। इतने दोस्तों याद रखियो ड्राई फ्रूट का प्रसाद लगता है भोले बाबा के, होर कोई प्रसाद नहीं लगता है, जा भोले बाबा दे देसी घ्यो का कड़ाह लगता है। दोस्तों देसी घ्यो का कड़ाह भी इतने लगता है, मेरे भोले बाबा ने पहले अंकल जी देखे ने जिहड़े हिंदू ने, और प्लस भोले बाबा की नगरी च अपना पूरा समान लैके बैठे हुए ने, पूरे भोले बाबा के भगत ने, और पूरे भोले बाबा का रूप है, और इतों की तुम हो सके तो तुम भी समान जरूर लियो मेरे भोले बाबा की। देखो कलाकृतियाँ किन्ने अच्छे अच्छे पोस्टर है, ये सारे ही इन्होंने इतने कश्मीर के तैयार होंगे ने, ये मेरे भोले बाबा के देखो हिंदू अंकल ने, हिंदू बाबा जी ने, जिहड़े कि भोले बाबा की नगरी जाके अपना समान बेच रहे ने। दोस्तों तुसी मेरी वीडियो नू देखते रहो, शेयर करो, कमेंट करो, तुहानू मैं अपने भोले बाबा की पूरी नगरी दिखा रहा, बिल्कुल लाइव दिखा रहा। हाँ दोस्तों ऐसे मौसम का कुछ पता नहीं, एक मिनट के मीह है, एक मिनट के ठंड है, एक मिनट की पूरी गर्मी है, और इतने कुछ भी नहीं पता है कि टाइम की हो सकता। एक गल याद रखियो, ये ऐसी जगह है अमरनाथ यात्रा, इतने आंदा भी मेरी भोले बाबा की मर्जी के नाल है, जाता भी मेरे भोले बाबा की मर्जी के नाल है। मेरे भोले बाबा की मर्जी तो बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, जो मर्जी हो जाए इतने पत्ता नहीं हिल सकता, ठीक है ना दोस्तों। पर फिर भी
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਚੂਰਨ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।